हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो पे आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो पे आप लोगों को बताने वाला हूँ इन शॉर्ट से आप लोग फोटो को एल्बम में कैसे बना सकते हो। मतलब जो आप लोगों ने फोटो सेव करके रखी है, फोटो को आप लोग वीडियो में बदलना है तो बहुत ही आसानी से बदल सकते हो। कैसे बदलते हैं आज की वीडियो में यही बताऊँगा, अपनी फोटो को वीडियो में कैसे बदलें। तो सिंपल सा आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आ चुका है। तो आप लोग करना क्या है, इन शॉर्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर देखोगे इन शॉर्ट का एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड करके रखा है। तो इन शॉर्ट पर आप लोग क्लिक करोगे, इन शॉर्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरह इंटरफेस दिख जाएगा। अभी यहाँ पर देखोगे आप लोगों को वीडियो का ऑप्शन दिया गया है, सिंपल सा वीडियो का, फोटो का और कॉलम यहाँ पर कॉलेज का ऑप्शन दिया गया। तो सिंपल से यहाँ पर कॉलेज का मतलब है आप लोगों को जो फोटो रहती हैं वो एक जगह एकत्रित मतलब इकट्ठा हो जाती हैं। फोटो का मतलब रहता है फोटो आप लोगों को कोई भी शॉप करना है, मतलब फोटो को आप लोग कोई भी एडिट करना है वो यहाँ पर फोटो करना। वीडियो का मतलब है कोई भी वीडियो है या फोटो है वीडियो में बदल जाता है, मतलब एडिट करके आप लोगों को क्रिएटर बनाते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर वीडियो को मैं बनाना चाहता हूँ फोटो के द्वारा, तो सिंपल सा फोटो को यहाँ पर मैं ले लूँगा। अभी यहाँ पर देखोगे यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन आप लोगों ने पहले से इस्तेमाल किया है तो इस तरह नहीं आएगा, डायरेक्ट न्यू करके आएगा, इसी पे आप लोग क्लिक करोगे। अभी यहाँ पर देखोगे तो गैलरी खुल जाएगी, जितनी भी फ़ोटो होंगी वो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएंगी। अगर नहीं दिख रही हैं तो सिंपल से यहाँ पर देखोगे फोटो का ऑप्शन दिया है तो यहाँ पर फोटो सारे दिख जाएंगे, और वीडियो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर वीडियो दिख जाएंगे सारे। तो इस तरह आप लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं सिंपल सा। अभी देखिए मैंने बैक किया तो डायरेक्ट बैक आ गया। अभी फिर से जाएंगे, प्रोसेस करेंगे और फोटो पे क्लिक किया। अभी यहाँ पर देखोगे जो फोटो आप लोग बनाना चाहते हो फोटो उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखोगे ये देखिए काफ़ी सारी यहाँ पर फोटो पड़ी हैं। तो यहाँ पर मैं फ़ोटो एक एक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपल सा जैसे कि ये फ़ोटो है तो सिंपल सा इस पर किया मैंने। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 तो ऐसे मैंने 6 फोटो सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर देखोगे नीचे के साइड में टिक मार्क दिया गया है तो टिक मार्क पे आप लोग क्लिक कर दोगे। टिक मार्क पे क्लिक करोगे अभी यहाँ पर देखोगे सारी फ़ोटो नीचे के साइड में आप लोग शो हो रही होंगी, आप लोग देख सकते हो इस तरह सारी फ़ोटो आप लोग दिख जाएंगी। तो अभी यहाँ पर आप लोगों को ये फ़ोटो आप लोग कितने भी फ़ोटो हों आप लोग यहाँ पर बना सकते हो। ऐसा नहीं मेरे पास 6 फोटो होती है तो मैं 6 बनाई है, आप लोगों के पास 10 हों, 20 हों, 50 हों, 100 हो, उस प्रकार से आप लोग वीडियो बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को जैसे कि यहाँ पर अगर कोई म्यूजिक ऐड करना है तो यहाँ पर देखिए म्यूजिक का भी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ट्रैक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे म्यूजिक आ जाएंगे। अगर आप लोग गैलरी में म्यूजिक पड़े हैं तो यहाँ पर ऊपर साइड में देखोगे माय म्यूजिक का ऑप्शन दिया है तो गैलरी का आप लोगों के म्यूजिक सारे खुल जाएंगे। तो इस तरह आप लोग ये देखिए अगर मैं ज़्यादा गाना बजाऊंगा तो कॉपीराइट का ऑप्शन आ जाएगा, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बजाया। इस तरह आप लोग कोई भी म्यूजिक यहाँ पर सेलेक्ट करके लगा सकते हो, ठीक है। अभी मैं टिक मार्क करता हूँ और यहाँ पर अभी स्टिकर का देखिए ऑप्शन दिया गया तो स्टिकर भी कोई भी आप लोग लगाना चाहते हो लगा सकते हो। अगर कोई भी फ़ोटो पर कहीं पर भी टैग्स लगाना चाहते हो मतलब लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ये देखिए टैग का ऑप्शन दिया है, ये देखिए बॉक्स आ गया है। तो इस तरह आप लोग को यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर देखिए नीचे के साइड में, और यहाँ पर आप लोग लिखना चाहते हो कुछ भी, एक शॉर्ट शायरी लिखना चाहते हो, नाम लिखना चाहते हो, कुछ भी लिखना चाहते हो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए थोड़ा सा इसे बता रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को यहाँ पर एडजस्ट कर लेना जिस साइड में रखना है उस साइड में आप लोग। तो सिंपल सा इस तरह मैं कर लेता हूँ। इसको आप लोगों को स्टाइलिश करना है तो स्टाइलिश भी यहाँ पर करने का ऑप्शन दिया है। तो फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी थोड़ा बता रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो टिक बॉक्स दिया है, इस टिक बॉक्स पर क्लिक कर दोगे, यहाँ पर देखोगे आप लोग जो नाम डाला था वो एक साइड में हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए फिल्टर का भी ऑप्शन दिया है, कोई भी फोटो पे आप लोग लगाना चाहते हो फोटो पे लगा सकते हो, पूरी वीडियो पे लगाना चाहते हो पूरे वीडियो पे लगा सकते हो। अगर फोटो पे लगाना है एक जगह लगाना है तो यहाँ पर उसे इस तरह आप लोग क्लिक करना पड़ेगा, नीचे के साइड में आप लोग देख रहे हो इस तरह क्लिक करना पड़ेगा। तो इस तरह क्लिक करोगे तभी उसी जगह लगेगा। अगर पूरे वीडियो पर लगाना है तो यहाँ पर आप लोग कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए फिल्टर पर गए और यहाँ पर देखोगे आप लोग इफेक्ट का ऑप्शन दिया है तो यहाँ पर देखो काफ़ी सारे इफेक्ट दिए हैं, एक सारे वीडियो पर हो जाएगा। इस तरह आप लोग देखिए, ये देखिए मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको कैंसिल कर देता हूँ और खाली एक पे लगाता हूँ, देखता हूँ लगा है कि नहीं लगा है, तो इसको चला के देखता हूँ। ये देखिए लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह आप लोग लगाओगे, अगर एक पे लगाओगे तो यहाँ पर एक पे ही क्लिक करना है, ठीक है। तो अभी मैं जैसे कि एक पे करके आप लोग दिखा देता हूँ, देखिए ये देखिए, और इसको मैं टैग्स करता हूँ, फिल्टर पर जाता हूँ और यहाँ पर देखोगे इफेक्ट पर। अभी ये देखिए इसका मतलब कलर वगैरह यहाँ से चेंज होता है, और अब अबाउट पर जाएंगे तो काफ़ी सारे वैसे दिए गए हैं, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बता देता हूँ वरना फिर आप लोगों को बाकी चीज़ें बताने में टाइम हो जाएगा, वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, इसको क्लिक करके इफेक्ट पे जाता हूँ और यहाँ पर जैसे कि ये
पे अभी तो ये कर देता हूँ, यहाँ पर देखोगे ये फ़ोटो इस तरह आपको दिखेगी। अगर बैक पे क्लिक करेंगे तो देखिए थोड़ा छोटा होता जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। तो फिलहाल के लिए इतने में कर देता हूँ, अभी देखिए मैं प्ले करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए प्ले करके मैं दिखा रहा हूँ, अभी देखिए एक ही फ़ोटो पे मैंने क्लिक किया है तो दूसरे राउंड पे वो फोटो दूसरी हो जाएगी, लेकिन बाकी की फ़ोटो नहीं हो रही हैं। तो इस तरह आप लोगों को दिया गया, और भी करना चाहते हो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं तो और भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं अभी इतना, देखिए 30 सेकंड का ही वीडियो मैंने बनाया है, 30 सेकंड का वीडियो बनाया है। अभी पूरा एडिटिंग वगैरह आप लोग करना है, करने के बाद आप लोग करना है कि टिक मार के दिखेगा, टिक मार पे क्लिक करोगे और भी यहाँ पर अगर फोटो को एडजस्ट करना है फोटो भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे के साइड में अगर क्लिक करोगे काफ़ी सारे दिए गए हैं, रिवर्स का भी ऑप्शन दिएगा, वॉल्यूम में फुल करने, जितना वॉल्यूम रखना है उतना रख सकते हो, मैंने पूरा 100 रखा है अभी के लिए। अभी यहाँ पर देखोगे इतना ही वीडियो यहाँ पर दिख रहा है, कितने 30 सेकंड का। ठीक है, अभी यहाँ पर पूरा भी एडिटिंग कर लोगे तो ऊपर साइड में देखोगे सेव का ऑप्शन दिएगा। ठीक है, देखिए सेव पर क्लिक करोगे और यहाँ पर साइज का ऑप्शन आएगा, तो कितने आप लोगों को साइज का रखना है वो यहाँ पर दिया गया है। सिंपल सा मैं HD में पूरा करना चाहता हूँ तो ऊपर साइड में आप लोग क्लिक करना है, देखिए 1080। अगर इतना नहीं रखना है तो यहाँ पर ऊपर साइड में 700, यहाँ पर देखोगे 720 का भी ऑप्शन दिया है, 720। अभी 720 पे करोगे थोड़ा कम MB लगेगा, देखिए 14 MB लग रहा है। तो अभी यहाँ पर नीचे की साइड में देखोगे कितना FPC का रखना है, तो मैं 25 FPC का रख लेता हूँ। ठीक है, अभी देखिए और छोटा हो गया, 11 MB का हो गया। अभी इसको सेव कर लेता हूँ मैं, इसको सेव कर लोगे आप लोग इसको थोड़ा वॉल्यूम कम कर दिया और यहाँ पर डालेंगे और देखिए ऐड आया था। अभी कोई दिक्कत नहीं, ऐड भी आ गया है, वॉल्यूम भी तेज कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा ही देता हूँ। अभी यहाँ पर देखो ऊपर साइड में कन्वर्ट हो रहा है वीडियो, अभी ऊपर से देखिए पूरा 100 हो गया। अभी इसको मैं प्ले करके दिखाऊंगा तो ये देखिए इस तरह मैंने म्यूजिक वगैरह सब हटा दिया था, इसलिए म्यूजिक वगैरह नहीं बज रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग ये वीडियो चल रहा है ऊपर साइड में, देख सकते हो, देखिए फ़ोटो भी चेंज होती रहतीगी। आप लोग अपने हिसाब से बहुत ही आसानी से कर सकते हो, वैसे ये दिया गया है ऑप्शन, तो यहाँ पर काफ़ी सारे और भी इफेक्ट दिए गए हैं, आप लोग लगाना चाहते हो लगा सकते हो। सो दोस्तों आज का वीडियो आप लोग कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।